एक दिन श्री गुरु नानक देव जी और भाई मरदाना जी जिला मिंट गुमरी के एक पिंड पहुंचे। बारिश हो रही सी ते रात का वेला भी नेड़े आ रहा सी। भाई मरदाना जी ने गुरु जी अगे बेनती की कि मीह वरदे विच रात रहन लई किसी थां दा प्रबंध कर लई मैनू पिंड जाण दी आग्या दिओ। गुरु जी तो आग्या लै के भाई मरदाना जी पिंड चला गया, पर उसनू इस औकड़ का सामना करना पिया। जे किसी हिंदू दे घर जावे ओह यह आ के ना कर देवे कि तुसी एक हिंदू ते एक मुसलमान हो, इसलिए मैं दोवां नू अपने घर नहीं रख सकता। जे किसी मुसलमान दे घर जावे तां वी अजिहा जवाब ही सुन नू मिलदा। अंत गुरु जी नू किते भी कोई अजिही जगह नहीं मिली जिथे रात बसेरा किता जा सके। अंत गुरुदेव ने भाई मरदाना जी नू कहा, चलो अगे वधे चलो, सानू एक भगत याद कर रहा है, अज असी उस दे इत्थे रुकांगे। भाई मरदाना जी मन ही मन विच सोच रहे सन कोई विशेष भगत होवेगा जिथे इत्थे गुरुदेव ठहरना चाहते हैं, चलो भुख बहुत लगी है उत्थे ही जाके भोजन करांगे। पर गुरु देवता हौली हौली पूरे नगर नू पार कर गए, किथे रुके ही नहीं। अखीर विच एक उजड़ी थां विच एक टुट्टी हुई झोपड़ी विखाई दित्ती जिस विच टिमटिमांदा होया एक दीवा बल रहा सी। गुरुदेव उत्थे ही रुक गए अते आवाज़ लगाई, सत करतार सत करतार। अंदर दर्द नाल कुरलाउन दी आवाज़ आई अते उसने कहा, तुसी कौन हो? मैं बीमार कुष्ठ रोगी हाँ, मैनू भयानक रोग है, अंत मेरे नज़दीक किसी का आना उसके लिए हितकर नहीं है। पर गुरुदेव ने जवाब दिता, तुसी इस गल की चिंता ना करो, असी तुहाडी सहायता करना चाहते हाँ। जवाब विच कुष्ठ रोगी ने कहा, जिवें तुहाडी इच्छा, पर मेरे नज़दीक बदबू के कारण कोई भी रुक नहीं पाता। गुरुदेव जी उस झोपड़ी के अंदर जा के बैठ गए अते भाई मरदाना जी नू कहा कि तुसी रबाब वजा के कीर्तन शुरू करो, मैं अग साड़ के इस कुष्ठ के उपचार लई पानी उबाल के दवाई तैयार करदा हाँ। तद गुरुदेव ने उत्थे पए हुए मिट्टी के बर्तन विच पानी उबालिया अते थैले विचों कढ के उस विच एक विशेष रसायन मिलाया। इस रसायन नू गुणगुणे पानी वल्लों गुरुदेव ने उस कुष्ठ रोगी दे जख्म धो के मलम पट्टी कर दिती। कुष्ठ रोगी दा दर्द शांत हो गया, ओह आराम अनुभव करन लगा अते भाई मरदाना द्वारा किते जा रहे कीर्तन विच उसका मन जुड़न लगा। भाई मरदाना जी ने कुष्ठ रोगी ने पुछया, यह रोग तुहानू किस प्रकार हो गया? जवाब विच कुष्ठ रोगी ने कहा कि मैं जवान दशा विच दीपालपुर के एक पिंड का जिमीदार सी, मेरे कोल पैसा ज्यादा होने के कारण मैं विलासता विच पै गया, अंत मैं अपने अधिकारां दा दुरप्रयोग कर मनमानी करन लगा, जिदे नाल कई औरतां मेरी वासना दा शिकार होईयां, उन्हां औरतां दे शराब वल्लों मैनू कुष्ठ रोग हो गया। गुरुदेव ने कहा, कुदरत दा इह अटल नियम है, जो जिहा कर्म करेगा ओह जिहा ही फल पावेगा, जिहा बीजा सो लूणै करमा संदड़ा खेत। गुरुदेव ने कहा, जेकर तुसी पछतावा करदे हो तां असी तिन्नू अमृत प्रदान करांगे जिस वल्लों जहर दा प्रभाव जल्दी खत्म हो जावेगा अते तू निरोग हो जावेगा। यह सुन के कुष्ठ रोगी ने जवाब दिता, जेकर तुसी मैनू इस भयानक रोग वल्लों मुक्ति दिलावो तां मैं रहिंदा जीवन सेवा पर उपकार विच बतीत करांगा। गुरुदेव ने तद उस वल्लों वचन लै के उसनू मन एकागर कर प्रभु चरणा विच लीन होण दा ढंग सिखाया अते नाम दान दिता। अगले दिन कुष्ठ रोगी ने गुरुदेव नू कहा, तुसी मेरे उत्ते बहुत बहुत उपकार किता है, मेरे जिहे पीड़ित दी तुसी पुकार सुनी है, वास्तव विच मेरे नज़दीक कोई भी नहीं आउंदा सी, बदबू अते भयानक रोग दे डर वल्लों मेरे लई खाणा बाहर वल्लों ही सुट के मेरे परिवार दे मैंबर चले जांदे सन। गुरुदेव ने कुछ दिन उस कुष्ठ रोगी की मलम पट्टी जारी रखी अते भाई मरदाना जी
हरी जस विच कीर्तन दा प्रवाह चलांदे रहे। यह सब वेख के कुष्ठ रोगी दे परिवार दे मैंबरां ने भी गुरुदेव दा आभार व्यक्त करदे होए जल पान दी सेवा शुरू कर दित्ती। हुण कुष्ठ रोगी दा मन गुरुदेव दी दसी टंग अनुसार प्रभु चरणा विच लीन रहन लगा। वेखदे ही वेखदे कुष्ठ रोगी रोग आजाद हो गया। कुष्ठ रोगी दा रोग ठीक होया वेख के घर वालियां दी खुशी दा कोई टिकाणा ना रहा अते एह खबर सारे पिंड विच जंगल दी अग वाग फैल गई कि गुरु साहिब दी अजमत बारे जाण के जिन्हां लोकां ने मरदाना जी नूं रात कट्टण लई इनकार किया सी उन्हां नूं भी बहुत पछतावा होया। इस तरह यह सारे ते पिंड दे होर सियाणे लोग इकट्ठे हो के गुरु जी पास पहुँचे। गुरु जी कोल आ के उन्हां दे चरण छूए अते बेनती कीती कि सातू होई भुल्लां दी खीमा बख्शो, साढ़े उत्ते मेहर करके सानू भी नाम सिमरन अते सेवा करन दा वर बख्शा जावे। गुरु जी ने सारे पिंड वालियां नूं उपदेश दे के निहाल किया अते आख्या कि सारा पिंड उद्यम करके पिंड विच एक धर्मशाला तैयार करवा दिओ जिस विच हर किस्म दा राही रात कट सके।